आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए माफिया पे आप नकेल कस रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जो माफिया हैं, चाहे वो राजा भैया, उनके खिलाफ 47 केस हैं। ये इतनी बड़ी देशभक्त राष्ट्रवादी सरकार है तो क्यों नहीं कर रही इनके लिए कुछ? हमें भूलना नहीं चाहिए, ये वही सरकार है जो कारगिल में मारे गए। आप सोचिए कि एक बार भी अब नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो और भाजपा के नेता हो, वो अच्छे दिनों की बात क्यों नहीं कर रहे? अचानक अब बोल नहीं रहे। पहले मोदी जी हर सभा में पूछते थे अच्छे दिन आए कि नहीं आए, अच्छे दिन आए कि नहीं आए। कहाँ गए अच्छे दिन? बोलो भाई, अच्छे दिन आए कि नहीं आए, पूछो अब जनता से। अब जनता भी इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगी, क्योंकि अगर ये इस तरीके की बातें पूछेंगे तो दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे साथ देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और इसके जो तमाम मुद्दे हैं उसमें लिखा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और मेहनत का जनता की लूट के खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेरे साथ है एक मैम मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि सबका साथ सबका विकास तो हो ही रहा है, फिर ये लोग क्यों यहाँ पे धरने पे हैं? देखिए, पहली बात है यहाँ पर अभी कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है। हम लोग पिछले 32 दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में एक यात्रा निकाल रहे थे, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा। आज यात्रा का दिल्ली में जो यात्रा चल रही थी उसका समापन है। इसी वक्त देश के 12 राज्यों में अलग अलग जगह इस यात्रा का समापन चल रहा है। ये यात्रा का पहला चरण था, इसके बाद भी ये यात्रा चलेगी। अब आपने सवाल पूछा कि सबका साथ सबका विकास, जाहिर तौर पे मोदी जी ने तो ये नारा दिया था। मोदी जी ने तो बहुत सारे नारे दिए थे। मोदी जी ने ये भी नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार में मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विकास, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, ये सारी बातें बीजेपी ने खूब की हैं, सब जानते भी हैं। अब लेकिन ज़रा सबका साथ सबका विकास, बहुत हुई महंगाई की मार, बेटी बचाओ, इन सब के जो ये तथाकथित नारे थे और वास्तविक जुमले थे, इनकी सच्चाई क्या है? इस वक्त देश में महंगाई का ये आलम है कि रसोई गैस की कीमत 1100 को छू रही है, पेट्रोल डीजल जो है वो 100 के पार हो चुकी है की कीमत, चावल हो, चीनी हो, आटा हो, दाल हो, जो भी जनता के आम रोज खाने वाली चीज़ें उन पे ये सरकार जीएसटी वसूल कर रही है। लग्जरी गुड्स पर नहीं जीएसटी ले रही है, लेकिन इन पर जीएसटी वसूल कर रही है। ऐसे में बहुत हुई महंगाई की मार, अब समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी आजकल ये क्यों नहीं बोल रही है। आप सोचिए कि एक बार भी अब नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो और भाजपा के नेता हो, वो अच्छे दिनों की बात क्यों नहीं कर रहे? अचानक अब बोल नहीं रहे। पहले मोदी जी हर सभा में पूछते थे अच्छे दिन आए कि नहीं आए, अच्छे दिन आए कि नहीं आए। कहाँ गए अच्छे दिन? बोलो भाई, अच्छे दिन आए कि नहीं आए, पूछो अब जनता से। अब जनता भी इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगी, क्योंकि अगर ये इस तरीके की बातें पूछेंगे तो इन्हें भी पता है कि महंगाई हो, बेरोजगारी की बात कर लेते हैं अब ज़रा। बेरोजगारी, इन्होंने कहा कि हम ऐसा विकास का मॉडल ला रहे हैं कि आप देखो हम क्या मॉडल जेनरेट करेंगे। तो मोदी जी ने हमें बताया कि पकौड़े तलने भी रोजगार है। मोदी जी ने बताया रेड़ी खोमचा लगा के तुम अगर कुछ अपना बेच भी रहे हो, क्यों? क्योंकि 32 करोड़ नौजवान जो आज, या 32 करोड़ नौजवान नहीं, आबादी जो इस देश की, वो जो आज बेरोजगार है, वो इस सरकार की पूंजीपरस्त नीतियों की वजह से। इसी सरकार का आंकड़ा बताता है कि जो सरकारी नौकरियां थी पिछले 9 साल में 22 करोड़ आवेदन आए, कितने लोगों को जॉब मिली? 7 लाख। अग्निवीर योजना, ये तो सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद का ढोल बजाते हैं। अब ये राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति भी ठेके पे करवाएंगे। ये तो कितना इन्होंने सैनिकों के, और वो पुलवामा और बालाकोट में हाय शहीद के, अभी वो बगल वाले प्रोटेस्ट को देखो, ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन वाले अभी तक बैठे हुए हैं। ये इतनी बड़ी देशभक्त राष्ट्रवादी सरकार है तो क्यों नहीं कर रही इनके लिए कुछ? हमें भूलना नहीं चाहिए, ये वही सरकार है जो कारगिल में मारे गए सैनिक थे, उनके ताबूतों की खरीद में घोटाला किसने किया? भाजपा सरकार ने किया, ये इस देश के इतिहास में पहली बार था। देखिए, प्रजातंत्र व्यवस्था जो देश में, तो पहले भी धन तंत्र की ही व्यवस्था थी। दिक्कत ये है कि इस वक्त एक नंगी और खुली तानाशाही है पूंजीपति वर्ग की, जिसकी नुमाइंदगी मोदी सरकार करती है। अब हमें ये
सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में देश में लोग सड़कों पर उतर पाए, धरना प्रदर्शन कर पाए, बात अपनी रख पाए, इस पर भी पाबंदियां लगेंगी, जो कि लग भी रही हैं। आज तो अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हो, सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ बोलते हो, तो आपको कभी देशद्रोही, कभी नक्सली, कभी कुछ का तमगा लगा दिया जाता है। बिल्कुल हो रही है, ये तो है ही। जो जितना भी गरीब, पहली बात है गरीबों के लिए तो पहले भी लोकतंत्र नाम का ही था, लेकिन चलिए हम पहले अगर गरीब आबादी की बात करें तो पहले हम श्रम कानूनों के तहत यूनियन बना सकते थे, हम स्ट्राइक कर सकते थे। मोदी सरकार जो 4 लेबर कोड ला रही है उसमें तो आप स्ट्राइक करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, यूनियनाइज नहीं आप हो सकते हो, ओवर टाइम जो है वो लीगल कर दिया जाएगा। तो ये सारी जो अंधी और नंगी नीतियाँ, पूंजी परस्त नीतियाँ जो मोदी सरकार ला रही है, वो कहीं ना कहीं इस देश की आबादी को परेशान कर रही है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अब आप खुद बताइए, क्या बीजेपी की सरकार महंगाई के मसले पर वोट मांग सकती है कि हमने महंगाई कम की? जनता को राशन तो दे रही है फ्री में, किसको दे रही है? अभी तो उन्होंने अभी तो नहीं, ये जो जिसको हमने कहा ये खैराती कल्याण बात, आपको 80 करोड़ जनता को फ्री राशन देने की जरूरत नहीं है, आप यूनिवर्सल राशनिंग क्यों नहीं करते हैं? हमें मैं 2 किलो और 5 किलो में संतोष करूं, क्यों? क्योंकि मैं गरीब आबादी हूं? नहीं, हमें पूरे महीने के लिए आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इतना पुख्ता कीजिए कि आप यूनिवर्सल राशनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें सब। आप 2 किलो और 5 किलो का जो खैरात दे रहे हो, ये क्या है? ये भीख है जो इस देश की गरीब आबादी को, कि हम आपको, क्योंकि राशन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबको साल दर साल राशन मुहैया कराए, सब सरकार की जिम्मेदारी है वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर की व्यवस्था करे, सरकार की जिम्मेदारी है वो रोजगार दे, लेकिन सरकार हमें ये नहीं देती है। देखिए, इस किस्म का जो भी ये जो विजिलांटे जस्टिस करने का तरीका होता है ना, कि कोई एक राज्य सत्ता अपने इस तरीके के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल करके चाहे वो गुंडों को, चाहे वो माफिया को भी मारने को आप कह सकते हो जस्टिफाई करने का काम करती है, ये कतई गलत है। मेन चीज देखिए ये है, आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए माफिया पे आप नकेल कस रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जो माफिया हैं, चाहे वो राजा भैया, उनके खिलाफ 47 केस हैं, आपकी पार्टी से जुड़े हुए कुलदीप सिंह सेंगर हैं, उनके खिलाफ 28 केस हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अच्छी बात है, आपको माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी है, आपको गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, सबके खिलाफ करिए। योगी कहते हैं कि राम राज में हम लोग खुशहाली लाएंगे और मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को, तो फिर इसमें दिक्कत क्या होती है? सब सबको मिलाओ ना, राजा भैया को भी मिट्टी में मिला दो। लेकिन मोदी जी, राजा भैया का भी एनकाउंटर हो जाए? एनकाउंटर नहीं हो जाए, उनको उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? सबसे बड़ी बात, योगी जी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? कब्रिस्तान वाली राजनीति करने वाले लोग है ना, जो गरीब मुसलमानों और गरीब मुसलमान स्त्रियों के बारे में जो इस तरीके के घटिया स्त्री विरोधी, मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे थे, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? तो सबसे पहले कार्रवाई उन्हें अपने खिलाफ भी करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए नहीं उठाएंगे, नहीं उठा रहे हैं। देखिए अभी तो जो बुर्जवा लोकतंत्र का जो विपक्ष है वो भी इतना रीढ़ विहीन हो चुका है कि वो भी किसी मसले पर कुछ नहीं बोलेगा। आप बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है, अभी आपने शायद खबर नहीं सुनी होगी, केजरीवाल को भी बुलाया जा रहा है ईडीसीबीआई के द्वारा पूछताछ करने के लिए। अच्छी बात है, आपको लगता है केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया? बिल्कुल, ईडी का वो करो, लेकिन आपकी पार्टी के लोगों के भ्रष्टाचार के बारे में भी तो आपकी कोई राय होगी? या अभी तो आप सिर्फ बाकी सब छोड़ दो, अडानी जी ने जो घोटाला किया, जिस घोटाले की तफ्तीश करने से भी केजरीवाल सरकार भाग रही है, क्यों भाग रही है? लेकिन बीजेपी मोदी सरकार, सॉरी मैंने केजरीवाल सरकार बोल दिया था, बीजेपी की कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट थी केजरीवाल सरकार के विरोध में, वो लोग से जब सवाल पूछा गया तो उन लोगों ने कहा ये सारी ढोंग है कि अडानी से पूछताछ करो, ये करो, वो सब करो, ये सारी मोदी को बदनाम करने की राजनीति है। तो आप जांच होने दो ना, जांच में तो साफ हो ही जाएगा। अगर ये बदनाम, जैसे बदनाम कैसे, मोदी जी कैसे बदनाम हो रहे हैं? मोदी जी मानते हैं कि उनका अडानी से कोई लिंक है,
मोदी जी, अभी तो अडानी के बारे में बात हो रही है ना, अब ये अलग बात है कि मोदी जी जो हैं वो अडानी के हवाई जहाज में यात्रा करते हुए बरामद होते हैं, क्यों होते हैं? या अडानी मोदी के साथ यात्रा करते हुए बरामद होते हैं, क्यों होते हैं? इतना याराना, इतना जो रिश्ता इनके बीच में प्रगाढ़ है, तो कोई कारण होगा। मेन चीज ये है, जो तमाम घोटाले, चाहे नीरव मोदी का भागना हो, वहां ललित मोदी वो तो वहां से कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि कर दूंगा, वो यूके में है। इनके खिलाफ मोदी सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? माल्या के खिलाफ मोदी सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अडानी के घोटाले के बारे में हम बता भी नहीं सकते कि कितने हजार करोड़ रुपए का घोटाला है, क्योंकि कोई जांच ही नहीं हो रही है। और जो मीडिया, अब एनडीटीवी तक अडानी ने खरीद लिया, तो एनडीटीवी हो, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तक नहीं इस पर आवाज उठा रहे। देखिए, हमारा ये मानना है कि चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, अशफाक उल्ला खान हो, रामप्रसाद बिस्मिल हो, ये हमारी क्रांतिकारी विरासत है और हम इस क्रांतिकारी विरासत के वाहक हैं। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के तहत हम देश के आम मेहनतकश आबादी के बीच में ये मैसेज लेकर जा रहे हैं कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हमें नया विकल्प बनाना पड़ेगा। इस यात्रा को निकालने का मकसद ये भी है कि आज जो फासीवादी निज़ाम देश की जनता के, आप कह सकते हो कि उनके छाती पर बैठ के मूंग दलने का काम कर रहा है, और आप असली मुद्दों को ना पहचानो तो सांप्रदायिकता का जहर फैला के कभी लव जिहाद, कभी गौ रक्षा, कभी बीफ बैन, कभी लैंड जिहाद। सबसे बड़ा लैंड जिहाद तो बीजेपी कर रही है। कैसे? बीजेपी ने अभी गरीब किसानों की जमीन लेकर अपने आलीशान दफ्तर हर जिले में खोले हैं, ये लैंड जिहाद नहीं है? इसके खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई करो, इतना बड़ा लैंड जिहाद तुमने किया। सबसे बड़ी पार्टी भी तो है, कैसे बन गई अचानक इतनी बड़ी पार्टी? क्यों बनी? क्यों बनी? क्योंकि 614 करोड़ रुपए पिछले साल पूंजीपतियों के इलेक्टोरल ट्रस्ट ने अकेले बीजेपी को दिए हैं। ये बात सच है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन ऐसे ही थोड़ी बन गई। भारत विश्व गुरु बन रहा है कि हाँ, बेरोजगारी के मामले में डेफिनेटली, और मैं आपको बताना चाहती हूँ भुखमरी के मामले में भी। भुखमरी में 114 देशों में से, जो एक लिस्ट अभी आई थी पिछले साल की बात है, भारत का स्थान 102 है। हम विश्वगुरु तो डेफिनेटली है, कितने का हम विश्वगुरु नहीं है? भुखमरी की बात हो, अशिक्षा की बात हो, असमानता की बात हो, असमानता की बात करें, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक, और सरकार भी इस रिपोर्ट को मानती है, ऊपर की 1% आबादी के पास देश की संपदा का 40% है, और नीचे की 50% के पास कितना है? 3%। अब ये असमानता की खाई नहीं, आप इसको पाट नहीं सकते हो, ये भर नहीं सकती है। तो आप क्या बोलोगे? देखो, तुम्हारा दुश्मन वो मुसलमान है, तुम्हारा दुश्मन वो दलित है, तुम्हारा दुश्मन वो फलाना गरीब आदमी है, तो आप नकली दुश्मन खड़ा करते हो। और फासीवाद यही करता है, नकली दुश्मन खड़ा करता है ताकि असली दुश्मन की पहचान ही नहीं हो सके। असली दुश्मन ये व्यवस्था है, असली दुश्मन पूंजीपतियों की नंगी तानाशाही को इस देश की जनता पर थोपने वाली फासीवादी बीजेपी है और संघ परिवार है। बार बार बीजेपी पे आप हमला करिए, लेकिन जो यूपी मॉडल है, सब लोग कह रहे हैं कि यूपी मॉडल पे काम होना चाहिए पूरे देश में, राम राज आना चाहिए। पहले तो गुजरात मॉडल था, अब इनका यूपी मॉडल हो गया। पहले तो कहते थे गुजरात मॉडल में, क्योंकि गुजरात मॉडल फुस हो गया, अब इनको एक नया मॉडल खड़ा करना है। यूपी मॉडल की असलियत ये है कि वहाँ पर इस वक्त आप कोई भी, यहाँ से बहुत दूर तो है नहीं, आप वहाँ जाकर देखिए, महिलाएं कितनी सुरक्षित है, मतलब बलात्कारियों को जो संरक्षण देने वाली पार्टी हो और जो उनके लिए तिरंगों की यात्रा निकालती हो, कितनी सुरक्षित है वहाँ पर महिलाएं, वहाँ पर कितना न्यूनतम मजदूरी लागू होता है, कितना रोजगार वहाँ जनरेट हो गया, कितनी सरकारी नौकरियाँ मिल गई यूपी में। सबसे ज़्यादा जो सरकारी महकमों में पोस्ट निकलने वाले जो एग्जाम्स थे, और जो सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट जो अभ्यर्थियों ने किए, किस राज्य में किए? यूपी। क्यों किए? यूपी में तो राम राज्य आ चुका है, क्यों कर रहे थे वो अभ्यर्थी? क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पेपर लीक करने का जो स्कैम हुआ है वो वहाँ हुआ है। सबसे ज़्यादा जो जॉब फ्रीज जो इस वक्त हो रही है, सरकारी नौकरियाँ, वो यूपी में हो रही हैं। सारे सरकारी महकमे जो हैं, आप कहीं यूपी में देखो, बिजली विभाग के कर्मचारी हो, कभी सिंचाई विभाग के कर्मचारी हो, हमेशा सड़कों पर बैठे रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? मोदी मीडिया देश में एक चलन चला हुआ है, जो भी सरकार, राज्य सरकार, गरीबों के बारे
देखिए बाकी राज्य सरकारें भी क्या गरीबों के बारे में सोचती है ये तो एक मजाक है। इस वक्त असली बात यह है कि इस वक्त जितनी भी राज्य सरकारें भी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो या जहां पर भी गैर भाजपा सरकार है, वो भी पूंजीपतियों के ही किसी ना किसी धड़े की नुमाइंदगी करने वाली पार्टियां, पहले ये भी समझना पड़ेगा। लेकिन भाजपा एक फांसीवादी पार्टी है, ये आम पूंजीवादी दल है। प्रॉब्लम यह है कि फांसीवाद जब सत्ता में आता है और जब फांसीवाद अपनी राजनीति के चरम पर होता है तब वो हर किस्म के पॉलिटिकल ऑपोजिशन को क्रश करता है, हर किस्म के राजनीतिक विरोध को क्रश करता है, वो बुर्जुआ पार्टीज जो बाकी होती हैं उनको भी क्रश करता है। इसलिए ईडी सीबीआई इनके पीछे। आपने बोला कि कोई भी पार्टियां सही नहीं है, कोई भी गरीबों के लिए काम नहीं करे, तो कौन होगा वो पार्टी जो गरीबों के लिए काम करेगा? मैं तो देखिए मैं एक खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी, रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, RWPI। मैं तो यही कहूँगी कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी वो विकल्प है जो देश के मेहनतकशों, जो देश के मजदूरों, जो देश में आम गरीब आबादी है उसकी नुमाइंदगी करने वाली पार्टी है। लेकिन एक बात हमें समझना पड़ेगा, 2024 के बाद अगर भाजपा की सरकार चुनकर आती है तो ये 5 जो अगले साल होंगे वो देश की आम आदमी, आम लोगों, मेहनतकश आबादी, कर्मचारियों, स्त्रियों, दलितों, गरीब मुसलमानों के लिए वो आत्महत्या के साल होंगे, हम नहीं झेल सकते। आपकी एक मांग है, प्रमुख मांग में से एक मांग है कि जो भी राजनेता या नेता धर्म को लेकर राजनीति करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए, ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर जब हिंदुस्तान में इस मॉडल की बात करें, विश्व में ऐसे देश हैं, अब फ्रांस में देखिए है ना, सच्चा सेक्युलरिज्म क्या है? सच्चा सेक्युलरिज्म यही है, सर्वधर्म संभाव वाला, वो कांग्रेस वाला नुस्खा नहीं जो नकली सेक्युलरिज्म ही होता है और वो हमेशा भाजपा की फांसीवादी राजनीति को खाद पानी देने का काम करता है। राजनीति का, सियासत का मजहब से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जब मजहब को आप सामाजिक जीवन में लाओगे, राजनीति से जोड़ोगे, तब तक दंगे फसाद होंगे। मैं क्या धर्म मानती हूँ क्या नहीं मानती हूँ या कोई धर्म नहीं मानती हूँ, ये मेरा जाति मसला है। इसमें कोई राज्य सत्ता, कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी हस्तक्षेप या कोई दूसरा नागरिक भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन जनता भी तो खुश है। नहीं है, जनता कहाँ खुश है, वोट तो इसीलिए दे रही है जनता। अब देखिए, अब जनता बहुत कारणों से, पहली बात है जो सारा वोट मिल रहा है, अब ईवीएम के बारे में भी हम सब जानते ही हैं, फिर एन चुनावों से पहले कोई बालाकोट और पुलवामा भी हो जाता है। अब देश की जनता जब सही विकल्प को, जब तक उसके सामने नहीं होगा, वो अपने दुश्मनों को भी चुन सकती है। पुलवामा की बात कही, 2024 में चुनाव होने वाला है, आपने इससे पहले बोला था कि हो सकता है कि इस बार भी कुछ ऐसा हो, ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि सीमा पर जब भी फसाद होता है, सीमा पर जब भी, सरहदों पर जब भी आप इस तरीके का अंधराष्ट्रवादी उन्माद भड़काते हो या आमतौर पर जब दंगे होते हैं, तो अगले साल वोटों की फसल भी उतनी अच्छी होती है, ये सच है ना। क्योंकि देखिए अभी वो महंगाई को कम करने के मामले पे लोगों से वोट मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते हैं, रोजगार के मसले पे नहीं मांग सकते हैं, शिक्षा के मसले पर नहीं मांग सकते, तो वो क्या करें, क्या वोट मांगने जाएं क्या? तो वो बोलेंगे कि देखो चीन हमला कर रहा है, देखो पाकिस्तान हमला कर रहा है, देखो यहाँ देश के अंदर भी एक नकली दुश्मन है, वो देखो वो तुम्हारी जॉब लेके भाग रहा है, वो दूसरे धर्म वाला। ये नकली दुश्मनों की एक फेहरिस्त तैयार करते हैं क्योंकि इनके पास असली मुद्दों पर बोलने के लिए कुछ है नहीं। एक आखिरी सवाल है कि आप लोग 30 दिन से चल रहे हैं, ये जो पद यात्रा है चला रहे हैं, क्या लग रहा है जनता जागरूक हो रही है? मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इस टाइम चैनल पे या माइक पे बोल रही हूँ, इसलिए मैं आपको इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स, हमें खुद यकीन नहीं हो रहा था इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। देखिए लोग परेशान हैं, आप जैसे ही महंगाई पर, बेरोजगारी पर बात करते हो ना, लोग सब काम छोड़ के सुनते हैं। जब आप ये बोलते हो कि आज देश में दिहाड़ी मजदूरों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा है, जब आप लोगों को बता रहे हो कि रसोई गैस की कीमत 1200 रुपये हो गई है, तो आपको क्या लगता है लोग इतना भी, देखिए कोई ऐसी भी कोई पट्टी नहीं लगी होती है, ये है ना जो पेट और जो भौतिक जरूरतें जीवन की होती है, जो हम ही सब पैदा करते हैं, मेहनत करने वाले हाथ ही पैदा करते हैं, वो जब हम से छिनती रहती है ना, एक हद तक ये धर्म और ये सांप्रदायिकता का माहौल वो काम करता है। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि मीडिया के भी कई साथी हैं यहाँ पर, जनपक्षधर मीडिया को रिप्रेजेंट करने वाले साथी हैं, आप
क्योंकि बार बार जो हम मीडिया पर या सोशल मीडिया पर देखते हैं, हम सोचते हैं वही रियलिटी है, या हमें कहीं पर वो भगवे झंडे दिख जाते तो हमें लगता है यार दुनिया ही लगता है कुछ वैसी। ऐसा कुछ नहीं है, लोग सोच रहे हैं, लोग जिंदा सवालों पर कुछ करने को भी तैयार हैं, विकल्प चाहिए और लोग इकट्ठा होंगे। भगत सिंह का तो यही सपना था और भगत सिंह भी कभी हार नहीं मानते, हम उनके विरासत को ही आगे बढ़ा रहे हैं, हम भी हार नहीं मानेंगे। हमने इन मैम को सुना कि ये कह रही हैं कि एक महीने से लगभग ये लोग पद यात्रा पे हैं और लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिला है कि मोदी सरकार से कुछ लोग ही नहीं बहुत लोग नाखुश हैं और इस बार वोट की चोट देने के लिए ये लोग आगे आएंगे। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप लोग जो सरकार की नीतियां हैं उससे खुश हैं, परेशान हैं और 2024 में क्या करेंगे? लेकिन अमित शाह का कहना है कि आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। आप लोगों की इस पे क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।